तो इसके पिछले क्लास में हम लोग वर्ण को देखे थे कि वर्ण क्या होता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे संधि को। तो जो संधि होता है वह रिलेटेड होता है वर्ण से। तो जब तक हमको अगर वर्ण समझ में नहीं आ रहा है, या वर्ण किसे कहते हैं, या कितना तरह का वर्ण होता है, जब हम संधि पढ़ेंगे तो वर्ण का प्रथमा का बात करेंगे कि वर्ण का प्रथमा, द्वितीया, तृतीया वर्ण, इस तरह से करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पिछले का जो क्लास है, बहुत जो व्यक्ति अटेंड किया होगा वो समझ में आएगा, नहीं तो वीडियो में जाके पीछे देख लेना है। उसमें मतलब बताया गया है कि हाँ वर्ण क्या है, तो वर्ण से रिलेटेड ये भी होगा। तो पहले वर्ण को समझ लेना है उस वीडियो को देखकर, उसके बाद इसको देखना है। तो देखते हैं संधि क्या होता है। एक संधि के पहले एक चीज देखते हैं, संयोग। एक होता है संयोग, संयोग संयोग, और एक होता है संधि। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। संधि मतलब होता है क्या, मिलना। यदि दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं संधि। लेकिन अगर क्या है कि दो वर्ण बिना परिवर्तन के मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं संयोग। और अगर क्या है कि कोई विकार के साथ मिलते हैं तो उसको बोलते हैं हम संधि। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक हम लाइन लेते हैं, ठीक है। जैसे हम एक लाइन लेते हैं, घनम जोड़ इच्छन्ति, ठीक है, घनम जोड़ इच्छन्ति, घनम जोड़ इच्छन्ति। तो हम यहाँ पर अगर इसको हम जोड़ेंगे, यहाँ के लास्ट का जो, ये जो लास्ट का वर्ण है यहाँ पर क्या है, म हलंत है, और यहाँ पर जो लास्ट में है वो क्या है, ई है। तो ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कल बताए थे जब वर्ण पढ़ाए थे तो बताए थे कल क्या होगा, मी हो जाएगा। दोनों मिलके क्या बन जाएगा, मी। अब बाद बाकी सेम जो ये घन है इसको घन लिख देते हैं, घन, और ये जो है सो एक क्षंति जो था उसको आधा च क्षंति ऐसे ही लिख देते हैं, क्षंति। तो ये क्या हो गया, दोनों जो मिला के बना वो क्या बन गया, घनम इच्छन्ति। तो ये जो है सो इसमें कोई विकार उत्पन्न हुआ, नहीं हुआ। म था और ई था, दोनों मिलके जैसे बनता है सेम जैसे होता है वैसे ही हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, संयोग बोलते हैं, ठीक है। बिना विकार के जब मिल जाता है तो इसको हम कहते हैं संयोग, ठीक है। संयोग मतलब एक दूसरे से मिल गया, विकार नहीं हुआ। तो जब विकार उत्पन्न होता है तो हम कहते हैं संधि। बिना विकार के सही है, मिल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। जैसे और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अनुजोड़ उपस्थिति, अनजोड़ उपस्थिति ऐसे देखते हैं, संधि बाद में देखेंगे हम लोग। अन जोड़ उपस्थिति, ठीक है, अन जोड़ उपस्थिति। तो यहाँ पर अन जोड़ उपस्थिति है तो ये यहाँ पर क्या है, न में हलंत है, और इसमें अगर हम उ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, नू बन जाएगा। कल जैसे बताए थे इसके पिछले वीडियो में देख सकते हैं, नू, ठीक है। तो ये नू बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, और पूरा सीधा ये जो है सो अ बचा हुआ है इसको ले आ देते हैं यहाँ पर अ, और उसके बाद ये उ हट गया है, इसमें उपस्थिति, उपस्थिति बचा हुआ है तो इसमें उपस्थिति को जोड़ देते हैं, क्या हो गया, इस तरह से बना के ये दोनों मिला के अनुपस्थिति। लेकिन यहाँ पर जो दोनों है जैसे मिल के बनता था सेम मिल के लिखा गया, इसमें कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ है तो इसको हम बोलते हैं संयोग। लेकिन जब दो वर्ण मिलता है और उसमें क्या है कि दो वही दोनों जैसे मिल के बनता है वो नहीं लिखा करके कोई नया वर्ण आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं संधि। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, संयोग हटा लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम लेते हैं पो जोड़ ऑन, ठीक है, पो जोड़ ऑन, दोनों मिल के क्या बनता है पता है किसी को, पो जोड़ ऑन क्या मिलके बनेगा, पो ऑन। अगर अगर जल्दी जल्दी बोले, अगर मिला करके जल्दी जल्दी पो ऑन तो क्या बनेगा, पवन होगा ना, पोवन, पोवन अगर कहें तो पवन होगा ना, क्योंकि दोनों साउंड को अगर मिलाएंगे तो दोनों साउंड मिलके क्या है वो बन जाता है। यहाँ पर क्या है, इधर इसको खंड करेंगे, बताए थे ये जो पो बना होगा कैसे बना होगा, प और ओ को मिलाकर के बना होगा, तब ये अक्षर हुआ है, इसमें ओ है पो, और प्लस ऑन में क्या है ऑन है। तो यहाँ पर हम क्या बना देते हैं, पवन बनाते हैं ना, तो यहाँ पर जो ओ है और ये जो अ है दोनों मिलके क्या बन जाता है, व बन जाता है ना, ये हो जाता है पवन, हो जाता है ना, अ और व बन गया है ना, ये जो अ है ये दोनों मिलके बनता क्या है, अव,
अव बन जाता है। तो ये जो है सो प जो होता है, प में ये अ आके मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, प हो जाएगा पूरा, ये व तो है ही, और ये वाला जो है सो लास्ट में जो न बचा हुआ था ये आ जाएगा, तो क्या हो गया इस तरह से पवन। तो यहाँ पर क्या था कि वहां पर जैसे देखे कि जो रहता था जैसे म जोड़ ई था तो बना क्या था, मी ही बना था, कोई चेंजिंग नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो दो नया वर्ण है, ये जो दो नया वर्ण है ओ और अ मिल करके क्या बन गया, तीसरा नया वर्ण बन गया, अव बन गया, अलग बन जा रहा है ना। तो जब भी दो वर्ण मिल करके कोई नया चीज बना देता है ना, कोई नया वर्ण बनाता है, दो वर्णों के मेल से अगर कोई नया विकार उत्पन्न होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो बिना मतलब कि बिना विकार के अगर हो रहा है संधि तो उसको हम कहेंगे संयोग। आ लेकिन अगर क्या है कि दो वर्णों के मेल से अगर कोई विकार उत्पन्न हो रहा है, नया चीज बन जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं संधि। जैसे ये जो ओ है और जो अ है, वर्ण संधि करके क्या बना दिया है यहाँ पर, अव बना दिया है। तो ये क्या हो गया है, पवन। जैसे पो जोड़ अन, पवन बोले तो क्या हो जाएगा, दोनों मिला दिए पवन। अब ये होता क्या है, ये ऐसे ही नहीं कि अव बना दिया गया है, इसमें भी क्या है कि इसमें इसके पीछे भी रीजन ये है कि ये जो दोनों है और भी ये जो दोनों है ना ओ और अ, दोनों का जो उच्चारण स्थान होता है, दोनों का उच्चारण स्थान मिला करके वही उच्चारण स्थान होगा जो कि अ और व का होगा। इसीलिए हम जैसे पवन बोल रहे हैं तो पवन थोड़ा मिल रहा है ना दोनों, तो मिल करके नया विकार उत्पन्न हो जाता है। और बताते हैं एक एग्जाम्पल और इसको समझने के लिए लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे महेंद्र। महेंद्र का क्या होगा संधि विच्छेद, महा जोड़ इंद्र होता है, इंद्र क्या होता है, महेंद्र, दोनों मिलकर क्या बनता है, महेंद्र। तो अगर महा को अगर हम खंड करें तो ये इसको खंड करेंगे तो म के लिए ऐसे लिख सकते हैं, बताए थे वर्ण के दिन। और हा कैसे लिखाएगा, हा का अगर खंड करेंगे तो ह आधा ह जोड़ आ मिलके, ह हलंत और आ मिलके ये हा बना है। और इंद्र में क्या है, ई है तो ई है जोड़ आधा, ये न था तो आधा न है, और जोड़ ये क्या है, ये द है और र है ना, इसको पूरा खंड नहीं कर रहे हैं, इसको साथ में लिख देते क्योंकि फिर बाद में तो लड़ाई है। लेकिन यहाँ पर दोनों जो है, ये जो आ है और जो ई है, ठीक है, ये दोनों मिल करके क्या हो जाता है, ए बन जाता है, क्या बन जाता है, ए। अब देखना है कैसे हो जाएगा, ये म और अ है तो ये दोनों मिलकर क्या रहेगा, म है तो ये म ही रहेगा, और इसमें ह में जब हम ए को जोड़ देंगे, जैसे ये ह था ये सीधा ऐसे निकाल देते हैं, ह में जो ये जुटा और ये आधा जो न था ये द्र ऐसे रहेगा ही, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे। तो ये जब इसमें जुट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, म और ये ह पर इकले हो जाएगा, ये जुट रहा है महेंद्र, तो इस तरह से बना ना, महाजोड़ इंद्र मिलकर क्या बना, महेंद्र। तो यहाँ पर जो था अ और ई के मिलने से एक नया वर्ण बना ए। तो जब भी क्या है कि दो वर्णों के मिलने से एक नया वर्ण बन जाता है, एक नया कोई विकार उत्पन्न होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी कि ये दोनों मिलके जो ए बना दिया, जैसे महाजोड़ इंद्र, महाजोड़ इंद्र क्या हो जाएगा, महेंद्र। तो ये जो ए आ गया ये दोनों के मिलने से, इसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि का मतलब भी होता है कि दो मिल करके एक तीसरा नया चीज बना देता है, ठीक है। जैसे संधि भी है क्या है, दो शब्दों से मिलकर के बना है, जैसे सम जोड़ धी मिलकर बनता है संधि, सम जोड़ धी क्या मिलकर बन जाता है, सम जोड़ धी मिलकर क्या बन जाता है, ये संधि। तो यहाँ पर संधि का ये संधि विच्छेद हो गया सम जोड़ धी। तो यहाँ पर जो म था, ठीक है, ये भी नियम होता है, आगे जब हम व्यंजन संधि पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि क्या नियम होता है, ठीक है। ये जो है सो अगर वर्ण किसी वर्ण का अगर ये चतुर्थ आता है वर्ण, ठीक है, तो ये अनुस्वार हो जाता है। जैसे कि ये जो म है वो क्या हो गया, अनुस्वार हो गया संधि, इस तरह से पता है ना। जैसे कि जब शादी होता है लड़का लड़की का, तो जो नया रिलेशन बनता है उसके फादर के बीच, उसको क्या कहा जाता है, संधि। तो इस तरह से सम जुड़ भी संधि बनता है, दोनों को मिलने से एक नया रिलेशन बन जा रहा है ना। तो उसी तरह से क्या होता है, यहाँ पर जो दो वर्ण है वह मिलकर के क्या है, एक नया वर्ण बना देता है, ठीक है। तो हम संधि के परिभाषा में क्या लिख सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो लिख लेना है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, या दो वर्णों के मेल से अगर कोई नया वर्ण बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि अगर हम सम जोड़ धी, समधी को ही मिला दे, संधि बन जाता है ना, संधि बन जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर जो है ये जो म है यह क्या है, अनुस्वार में बदल गया है, नया विकार उत्पन्न हुआ। और भी कुछ एक एग्जाम्पल देख ले, जैसे महाजोड़ ऋषि, ठीक है, यहाँ पर जो है सो क्या बन जाता है, महर्षि बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ है, यहाँ पर लास्ट में क्या है, महा आ है और यहाँ पर क्या है, री है। तो ये जो दोनों है मिल करके, आगे रूल लिखाएंगे कैसे बदलता है, ये दोनों मिल करके और हो जाता है। ठीक है, ये आ था, ये री था, और आ और री बदल के क्या हो गया, और हो गया। तो ये दोनों मिल के क्या बन गया, महर्षि। तो और जब बन जाता है तो इसको हो जाता है क्या, महर्षि। ये री था और अ था और आ था और री था, तो दोनों मिलके नया वर्ण बना दिया क्या, और क्या हो गया, ये महर्षि। महाजोड़ी सी महर्षि, जैसे देव जोड़ी सी देवर्षि, जैसे सप्त जोड़ी सी सप्तर्षि, राजा जोड़ी सी राजर्षि, देव जोड़ी सी देवर्षि, तो और बन जाता है। इस तरह से अगर ये को याद रहेगा, महाजोड़ी सी महर्षि, तो उस तरह से अगर कुछ भी दे रहा है और वाला, तो उसको दो खंड में ऐसे ही तोड़ देंगे। जैसे राजर्षि दे दिया तो राजा जोड़ी सी राजर्षि, देव जोड़ी सी देवर्षि, सप्त जोड़ी सी सप्तर्षि। अब देखना है कि संधि कितना प्रकार का होता है, पता है किसी व्यक्ति को, कितना संधि के कितना भेद होता है, संस्कृत में संधि कितना भेद होता है, संधि के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, क्या होता है, एक में होता है स्वर संधि और दूसरा क्या होता है, व्यंजन संधि। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये तीनों को डिटेल्स में पढ़ेंगे, तब तक पहले लिख लेना है इसको कि संधि के तीन भेद होते हैं, क्या क्या, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे देखना है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि क्या होता है। जो स्वर संधि होता है वह दो स्वर वर्णों के मेल से बना होता है, यानी हमेशा जब भी स्वर संधि पूछा जाए कि स्वर संधि क्या होता है, तो जो दो स्वर वर्ण मिलकर के बनता है उसको हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। अब स्वर वर्ण क्या होता है, इसके पिछले क्लास में बताए थे, जैसे कि अ आ ई उ ए ए ओ री ली, ये सब क्या होता है, स्वर होता है। तो ये सब अगर मिल करके, अगर इन सब वर्णों के मेल से अगर कोई विकार उत्पन्न होता है, यानी स्वर वर्ण के मेल से अगर कोई विकार उत्पन्न होता है, तो उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि। इसीलिए बताया था कि पीछे क्लास में इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा कि जो पहले का वर्ण मिलने वाला होगा वो भी क्या होगा, स्वर होगा, और बाद वाला भी क्या होगा, कोई स्वर ही होगा। जैसे अभी एक दो एग्जाम्पल देखे थे, उसमें दोनों स्वर वर्ण था ना। तो अगर कोई, अगर स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि। ठीक है, अगर वही व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। अगर पहले का व्यंजन है, ठीक है, और व्यंजन के बाद कोई भी दूसरा आए, इधर स्वर आए या व्यंजन है, उसका मतलब नहीं है, स्वर या व्यंजन। ठीक है, तो स्वर वर्ण या स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण पहले का क्या होना चाहिए, इसके लिए व्यंजन संधि के लिए व्यंजन वर्ण, और दूसरा व्यंजन में, ठीक है, स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। तो जो व्यंजन संधि होगा, अगर पहले का लेटर व्यंजन है, पहले का जो वर्ण है वह व्यंजन है, तो वह क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। यहाँ पर पहले का स्वर है तो वह क्या हो जाएगा, स्वर संधि, और अगर पहले का विसर्ग है तो वह क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। तो विसर्ग और प्लस में क्या है कि स्वर या व्यंजन कुछ भी आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, स्वर या व्यंजन कुछ भी आ जाए इसके बाद उसको क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। तो वही है कि स्वर में दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि। व्यंजन वर्णों के मेल से, मतलब व्यंजन वर्णों में स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको व्यंजन संधि, और विसर्ग में स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। तो जो विसर्ग से उत्पन्न होगा, जो पहले का अगर विसर्ग है तो विसर्ग हो जाएगा, अगर पहले का व्यंजन है तो व्यंजन संधि, पहले का वर्ण अगर स्वर है तो वह स्वर संधि,
इसके बाद में हमेशा स्वर ही आता है, जिसमें स्वर या व्यंजन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, इसमें भी स्वर या व्यंजन कुछ भी आ जाता आ सकता है, ठीक है, दोनों आता है। तो अगर परिभाषा लिखना है तो इसको लिख लेना है स्वर संधि में परिभाषा क्या, कि दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। और उसके बाद हम स्वर संधि के भेद को देखेंगे। तो पहले यहाँ पर लिख लेना है, पूरा मिटा दे इसको इधर, ठीक है, ये कहते हैं छूटा था उसको नोट कर लेना है। हम लोग देखते हैं एक में स्वर संधि दिखाई दे रहा है, स्वर संधि। स्वर संधि क्या होगा, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहते हैं, ठीक है, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि जो है कितना प्रकार का होता है पता है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, नहीं, स्वर संधि पांच प्रकार का होता है, ठीक है, पांचों को हम एक एक करके देखेंगे। उसके पहले पांचों लिख लेना है क्या क्या होता है स्वर संधि में। होता है सबसे पहले दीर्घ संधि, उसके बाद होगा गुण संधि, गुण संधि, और गुण संधि के बाद होगा अयादि संधि, और अयादि संधि के बाद हो जाएगा यन संधि, यन संधि, यन संधि के बाद हो जाएगा विधि संधि। पांचों नोट पढ़ना है, उसके बाद फिर बताते हैं एक एक करके कि क्या होता है। साथ में हम लोग देखेंगे कि संधि से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, संस्कृत में। तो ये पांचों नोट करना है, उसके बाद फिर हम एक एक करके देखेंगे, पहले दीर्घ संधि को देखेंगे, फिर गुण संधि, फिर अयादि संधि, फिर यन संधि, और उसके बाद फिर वृद्धि संधि को। अब देखना है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि क्या होता है। तो दीर्घ संधि बताए थे उस दिन, स्वर जो है दो प्रकार का होता है, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। तो जो दो ह्रस्व स्वर है वह दोनों मिल करके एक दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है, दो समान स्वर मिल करके एक दीर्घ हो जाते हैं। कभी भी जो दो समान स्वर होगा वो मिलेगा तो एक दीर्घ हो जाएगा, वही होता है दीर्घ संधि। दो समान स्वर स्वर ठीक है मिलकर एक दीर्घ हो जाते हैं। दो समान स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं, एक दीर्घ हो जाते हैं। जैसे दो समान स्वर मिलेगा एक दीर्घ हो जाएगा, कैसे कैसे बताते हैं। अब दीर्घ स्वर होते है क्या है, जैसे उस दिन भी बताए थे ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर क्या होता है, जैसे आ क्या होता है, आ जैसे क्या है दीर्घ स्वर है, जैसे ये दीर्घ ई क्या है दीर्घ स्वर है, और जैसे दीर्घ ऊ ये सब क्या है दीर्घ दीर्घ ऊ ये सब क्या है दीर्घ स्वर है। तो जब भी दो समान स्वर मिलेगा, जैसे अगर अ अ मिल रहा है तो ये अ और अ मिलके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। जैसे अगर हर्ष ई और हर्ष ई को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। वैसे ही हर्ष उ और हर्ष उ को मिला देंगे क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। तो इस तरह से जो दो समान स्वर होता है वह मिलकर के एक दीर्घ हो जाता है। और यह न केवल मतलब कि उ और हर्ष उ के लिए, ये जो उ है और उ है दोनों मिलके, जो ह्रस्व उ और ह्रस्व उ है वो दोनों मिलकर के दीर्घ उ बनेगा,
बल्कि ऐसा भी होता है जैसे अगर हर्ष उ है और इधर दीर्घ उ हो जाए, ठीक है, या इधर दीर्घ उ हो और इधर हर्ष उ हो जाए, ठीक है, या दोनों दीर्घ उ ही रहे, ठीक है, तो हमेशा ये मिलके बनेगा क्या, दीर्घ उ, मतलब दोनों में से हर्ष उ या दीर्घ उ दोनों में से कोई भी स्वर हो सेम स्वर होना चाहिए, है ना, तो क्या बनता है हमेशा दीर्घ उ ही बनता है। और ये केवल इसके लिए नहीं है, है ना, ये और भी मतलब की चीजों के लिए, जैसे ई के लिए भी वैसे ही होगा, जैसे अगर दीर्घ ई और दीर्घ ई को भी मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, ये दोनों मिलके क्या बनेगा, दीर्घ ई ही बनेगा। ऐसे ही अगर हर्ष ई, ठीक है, और दीर्घ ई को मिला दिया जाए क्या बनेगा, दीर्घ ई ही बनेगा। वैसे ही अगर दीर्घ ई पहले कर दे, दीर्घ ई प्लस हर्ष ई मिला दे क्या बनेगा, दीर्घ ई ही बनेगा, ठीक है। और यह आ के लिए भी वैसे ही होगा, क्या जैसे अ और अ जोड़ अ बराबर क्या बना था, आ बना है, और उसी तरह से आ या आ दोनों को मिला दे क्या बनेगा, आ ही बनेगा। वैसे ही अगर अ को पहले रख दे और आ को बाद में कर दे, या आ को पहले कर दे और अ को बाद में कर दे, बनेगा क्या, हमेशा आ ही बनेगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कुछ ये सब का, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे ये सब मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं ये इधर, इसको अगर बाद में फिर लिखेंगे तो नोट कर लेना रहेगा। जैसे देखना है आगे, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दक्षिण जोड़ आरण्य, दक्षिण दक्षिण जोड़ आरण्य, दक्षिण जोड़ अरण्य आ रही है, ठीक है, दक्षिण जोड़ अरण्य लेते हैं, ठीक है, दक्षिण जोड़ अरण्य, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर लास्ट में क्या चीज है, क्या होगा लास्ट में, जैसे इसका खंड करेंगे तो बताए थे कि ये जो लास्ट में कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, और रहता है ना, जैसे इसको खंड करेंगे ये नौ तो अ है, जिस दिन वर्ण पढ़ाए थे उस दिन बताए थे, वर्ण को देख लेना है, अ, ठीक है, जोर इसमें क्या है शुरुआत में अ ही है, अ, तो अ और जो अ है वह मिल करके क्या बन जाता है, आ बन जाता है, ठीक है, अभी ना बताया है अ और अ मिलके क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, ठीक है, कुछ खिलाएंगे नहीं ऐसे आ नहीं हुआ, तो आ, तो ध्यान देना है यहाँ पर। और यहाँ पर बताए हैं ये जो है क्या है, नौ हलन था ना, बाद बाकी तो सेम खंड करेंगे वैसे ही आएगा, अब ये जो है सो नौ में ये जो नौ था, ठीक है, यहाँ पर ये जो नौ था उसमें आ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ना हो जाएगा ना, तो ये जैसे दक्षिण था ये नौ में आ मिल गया ना हो गया, है ना, तो ये बन गया दक्षिण दक्षिण ना हो गया, और रण्य जो था वैसे ही सेम लिख देंगे रण्य, तो ये क्या बन गया, ये दोनों मिलकर दक्षिण अरण्य, इस तरह से दक्षिण प्लस आरण्य मिलके क्या बना, दक्षिण आरण्य, तो इस तरह से ये जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, दक्षिण दक्षिण आरण्य दक्षिण आरण्य, ठीक है, तो इस तरह से संधि बनता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछेगा, तीन तरह चार तरह से क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ध्यान देना, पूछ देगा कि दक्षिण आरण्य का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दक्षिण आरण्य का संधि विच्छेद क्या होगा तो क्या लिखेंगे, दक्षिण प्लस आरण्य जहां पर होगा टिक लगा देंगे, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका यहाँ पर एक ऐसे देगा, दे देगा कि दक्षिण प्लस आरण्य के मिलने से कौन सी, मतलब मिलने से कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है, दक्षिण प्लस आरण्य के मिलने से कौन सा शब्द बनेगा तो क्या टिक लगाएंगे, दक्षिण आरण्य, ठीक है। तीसरा तरीका क्वेश्चन पूछने का, कभी कभी ऐसे भी दे देगा क्वेश्चन कि दक्षिण प्लस आरण्य में किन किन वर्णों की संधि हुई है, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि किन किन वर्णों की संधि हुई है तो कौन कौन सा वर्ण यहाँ पर मिला है, किन किन वर्णों की संधि हुई है मतलब कौन कौन सा वर्ण जो है सो मिल करके नया वर्ण बनाया है तो क्या क्या मिला है, अ प्लस अ, तो इस तरह से आ हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किन किन वर्णों की संधि हुई है, अ प्लस अ वर्णों की संधि हुई है। एक तरह से और क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछेगा कि
दक्षिण आरण्य में कौन संधि है, क्या पूछेगा? दक्षिण आरण्य में कौन संधि है? नीचे ऑप्शन में दे देगा दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि, तो क्या टिक लगाएंगे? दीर्घ संधि अभी पढ़ा रहे हैं, दीर्घ संधि टिक लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तीसरा तरीका, एक तरीके से और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से कुछ भी दे देगा, ठीक है, और कहेगा कि बताइए कि इन वर्णों के मेल से नया शब्द कौन बनेगा। जैसे दे दिया अ प्लस आ प्लस अ के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो क्या बनेगा? आ लिख लेंगे। जैसे कह देगा अ प्लस अ के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो आ बनेगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, टिक लगा लेना रहेगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देख ले, ठीक है। पूछेगा कि दक्षिण अरण्य में यहाँ पर कौन से वर्णों का संधि हुआ है, तो कौन कौन सा वर्ण का संधि हुआ है? अ का और प्लस अ का मिल के बन क्या गया है? आ बन गया है। और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें दोनों आ आ मिल जाए, ठीक है। जैसे देखना है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, विद्या जोड़ आलय। जैसे कि अगर विद्या है, ठीक है, जोड़ आलय, आलय मिल के क्या बनाता है? विद्यालय। बताते हैं कैसे, विद्या जोड़ आलय क्या बना देगा? विद्यालय, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर विद्या में क्या है, जैसे ध रहेगा, ये आधा रहेगा, इसमें क्या रहेगा? आ रहेगा। यहाँ पर क्या मिला रहेगा? आ। आलय में भी क्या है? आ है। अब दोनों जो आ है वह मिलके क्या हुआ? सिंगल आ बच गया, आ और आ मिलके क्या बच गया? आ बच गया। तो जैसे विद्या जोड़ आलय, तो ये आप जो था ये आ क्या हो गया? हट गया, केवल यही एक आ रह गया, तो क्या बन गया? विद्यालय। देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि विद्या था तो आ था और ये आ था, तो दोनों आ मिल करके एक ही आ बचा, हो गया ना। जैसे विद्या और ये जो आ था वो हट गया, दोनों में से दोनों आ आ मिलके एक ही आ बचा, तो विद्या का विद्या ही रहा और ल और यह जुट गया, क्या बन गया? विद्यालय। तो इस तरह से अगर पूछेगा कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो गया, तो विद्या जोड़ आलय। पूछेगा कि विद्या जोड़ आलय से कौन सा शब्द बनेगा नया? विद्यालय। पूछेगा कि विद्यालय में किन किन वर्णों की संधि हुई है? आ प्लस आ का संधि हुआ है। पूछेगा कि आ प्लस आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो आ ही बनेगा। तो इस तरह से पूछेगा। फिर पूछेगा कि विद्यालय में कौन सा संधि है, तो दीर्घ संधि है ना, तो इस तरह से बता देना है। तो ये कन्फर्म है। और भी जैसे बताए थे हर्ष ई जोड़ हर्ष ई मिलके क्या बनाता है? दीर्घ ई बना देता है ना, या हर्ष ई प्लस दीर्घ ई मिलकर क्या बनाएगा? दीर्घ ही बनाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, या दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई मिलकर क्या बनाएगा? दीर्घ ही बनाएगा। जैसे देखते हैं नदी जोड़ ई सह, नदी जोड़ ईसा मिला के क्या बनाएगा, कोई बताएगा? नदीसा। जैसे यहाँ पर क्या है? ई है, यहाँ पर दीर्घ ई है और यहाँ पर भी क्या है? दीर्घ ई। अगर इधर से रहेगा तो क्या होगा? हर्ष ई। अगर इधर से है तो दीर्घ ई। वैसे ही अगर इधर से है तो हर्षु और अगर इधर से है तो दीर्घ, ठीक है। तो ये इधर से है तो क्या है? ये हर्ष ई, ये दीर्घ ई है, जोड़ यहाँ पर क्या है? दीर्घ ई। तो दोनों जब दीर्घ ई मिलेगा तो क्या बचेगा? एगो दीर्घ ही बच जाएगा। तो ये नदी जोड़ ईसा क्या बन जाएगा? नदीसा। दिखाई दे रहा है? नदीसा, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या हो गया? नदी जोड़ ईसा, नदीसा। ई जोड़ ई मिलकर क्या बन गया? दीर्घ ई। दीर्घ ई था दोनों, दीर्घ बन गया। और एग्जांपल लेते हैं, ऊ जोड़ ऊ का लेते हैं एग्जांपल, कैसे दीर्घ बन जाता है। जैसे ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या बना देगा? दीर्घ। जैसे एग्जाम्पल देखना है भानु जोड़ उदय, भानु जोड़ उदय क्या बन जाएगा? भानुदय। अब यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा, एग्जाम्पल में कंफ्यूज करने के लिए लिखेगा तो भानुदय ही, लेकिन ध्यान देना है यहाँ पर क्या है? ये हर्ष उ, भानुदय में क्या है? हर्ष उ है ना, ठीक है। भानुदय में क्या है? हर्ष उ। और यहाँ पर क्या है? ये उदय में भी क्या है? हर्ष उ है ना, हर्ष उ। आप दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा नया? दीर्घ। तो ये जो भानुदय में जब दीर्घ मिलाएंगे तो ये तो न जो है सो आधा बचा हुआ रहेगा ना, तो ये जो है सो इसमें जुटेगा क्या? दीर्घ। तो ये दीर्घ क्या हो जाएगा? भानुदय जब लिखेंगे हम बाद में यहाँ पर बना करके, तो ये क्या हो जाएगा? भानुदय में दीर्घ हो जाएगा, भानुदय। क्यों? क्योंकि पहले से था यहाँ पर
हर्ष उ, आ जब ये वाला हर्ष उ मिला तो ये क्या है कि ये दीर्घ में बदल गया, भानुदय ऐसे दीर्घ में बदल गया, दीर्घ में बदल गया ये, और ये जो य था ये सेम वैसे ही द और य आ गया, और ये उ इसमें मिल करके ये दीर्घ में बदल गया, तो ये क्या हो गया भानुदय। अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पता है देगा तो कैसे देगा, कहेगा क्या कि भानु प्लस उदय से कौन सा नया शब्द बनेगा, ठीक है, आ नीचे ऑप्शन में देगा भानुदय, आ लिख दिया रहेगा ऐसे भी भानुदय लिख देगा ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को, और ऐसे भी लिख देगा भानुदय, ठीक है, क्या करेगा कि ऐसे भी लिख देगा ऑप्शन में और ऐसे भी लिख देगा ऑप्शन में, और कहेगा कि बताइए कौन सा, मतलब कि कौन सा होगा सही, तो किस कौन, तो उस समय तो क्या है कि अगर ध्यान देकर नहीं पढ़ा रहेगा अभी तो क्या होगा कंफ्यूज कर जाएगा कि भानुदय कहेगा कि भानु जो उदय हम याद करके आए थे भानुदय, इसमें टिक लगा के आ जाएगा, हो जाएगा क्या गलत, तो याद रखना है जब आएगा क्वेश्चन एग्जाम में तो कहना है कि नहीं हम ये टिक नहीं लगाएंगे, हमको पढ़ाया गया था, हम पढ़ के आए हैं कि दीर्घकार होता है और क्या टिक लगाएंगे, दीर्घकार में भानुदय में टिक लगाना है, ठीक है, तो इस तरह से भानु जो उदय क्या हो गया भानुदय, ठीक है। अब ध्यान, अब फिर इसमें वही बात जो दो चार तरह से बताए हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि पूछेगा कि भानुदय में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो उ जोड़ उ की संधि हुई है, पूछेगा कि भानु जोड़ उदय से कौन सा नया शब्द बनेगा तो भानुदय बनेगा, पूछेगा कि भानु प्लस उदय से कौन सा नया शब्द बनेगा तो क्या बनेगा भानुदय बनेगा, पूछेगा कि भानुदय में कौन सी संधि है तो दीर्घ संधि है, तो इस तरह से याद रखना है, या ऐसे भी पूछ दे क्वेश्चन कि हर्ष उ प्लस हर्ष उ के मिलने से क्या बनेगा नया वर्ड क्या बनेगा तो दीर्घ उ बनेगा, तो इस तरह से याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि क्लियर है, और कुछ एग्जाम्पल बता दे दीर्घ संधि में, जैसे महाजोड़ अनुभव क्या बनेगा महानुभाव, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं दिखाई दे रहा है इधर महाजोड़ अनुभव, महाजोड़ अनुभव क्या नया शब्द, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा नया शब्द, यहां पर ध्यान देना, अब पूछेगा कि महाजोड़ अनुभव से बना क्या है महानुभाव, महानुभाव, अब पूछेगा इसमें कि महानुभाव में किन किन वर्णों की संधि हुई है तो कौन कौन सा वर्ण का संधि हुआ है आ का और अ का, तो जैसे यहां पर आ है, जैसे महा महाने आ है, और अनुभव में क्या है अ है, तो पूछ दिया कि महानुभाव में किन किन वर्णों की संधि हुई है तो आ प्लस अ का संधि हुई है, ठीक है, और उसी तरह से फिर पूछेगा और ये जो आ है और अ है मिलके क्या बन गया है आ बन गया है, जैसे महा में अ जुटा है तो वो आ का आ ही रह गया है तो महा रह गया है, ये वाला अ हट गया इसमें जुट के आ बन गया, और नुभव जो है सो ये क्या है नुभव आ गया तो महानुभव बन गया, ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया महानुभाव, तो इस तरह से दीर्घ संधि होता है, याद रखना है कि जब भी कोई दो समान स्वर मिलकर के अगर एक दीर्घ हो जा रहा है तो उसको हम कहते हैं दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के बाद हम देखते हैं भिन्न संधि को, तब तक इतना नोट कर लेना है। तो अब हम लोग देखते हैं गुण संधि को कि गुण संधि क्या होता है, ठीक है, गुण संधि क्या होता है कि यदि, ठीक है, यदि अ वर्ण के बाद, ठीक है, अगर हम अ वर्ण कह रहे हैं इसका मतलब अ या आ दोनों से है, ठीक है, अगर हम कह रहे हैं अ वर्ण के बाद इसका मतलब यह है कि अ वर्ण के बाद भी और आ वर्ण के बाद भी दोनों में से कोई भी वर्ण, यदि क्या है कि अ या आ वर्ण के बाद अगर ई रहे, ठीक है, ई का मतलब है यहाँ पर दीर्घ ई या हर्षी दोनों में से कोई भी रह सकता है, अ या आ के बाद हर्षी या दीर्घ ई दोनों में से कोई रहता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, ठीक है, याद रखना है कि इधर अ रहे या आ रहे और प्लस में ई आ जाता है, ई आ जाए या ई का मतलब दीर्घ ई दोनों आ जाए हर्षी या दीर्घ ई तो दोनों मिलकर के क्या बना देगा ए बना देगा, फिर दूसरा वही है कि यदि अ वर्ण के बाद, अ वर्ण का मतलब अ या आ दोनों के बाद, ठीक है, अ या आ के बाद क्या रहे उ रहे, उ का मतलब उ या दीर्घ, ठीक है, हर्ष या दीर्घ दोनों में से कोई अगर एक आ जा रहा है तो वह दोनों मिलकर क्या बन जाता है उ बन जाता है, क्या बन जाता है उ, और इसी तरह से अ या आ के बाद, ठीक है, कोई री आ जाए, ठीक है, तो री आ जाता है तो री का क्या बन जाता है ये और बन जाता है, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे और बन जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं गुण संधि, यही गुण संधि होता है, तो याद रखना है अ या आ के बाद हर्षी या दीर्घ आएगा तो ए बन जाएगा,
उ अगर अ या आ के बाद वही उ आ रहा है तो उ बन जाएगा, री आ रहा है तो और बन जाएगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल शुरू में भी हम बताए थे, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे गण जोड़ ईसा, गण जोड़ ईसा क्या बन जाएगा? तो यहां पर ये आ रहा है क्या अ, प्लस में यहां पर क्या आया ई, दीर्घ ई, तो अ और दीर्घ ई मिलके क्या बन जाता है बताएं अभी? अ या आ है इधर से, दीर्घ ई या हर्ष आ रहा है, दोनों मिलके क्या बन जाएगा ए। तो जब ए बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा गणेश, और ई मिलके क्या हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा गणेश, ए बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा गणेश। ठीक है, क्या हो गया ये गणेश, इस तरह से बनता है। ठीक है, और भी मतलब इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे महेश गणेश सुरेश है ना, जैसे कि महेंद्र रमेंद्र है ना, कुछ भी ले लेंगे है ना, इस तरह से जो भी एकले वाला होगा, जैसे राम जोड़ ईश्वरम क्या बन जाएगा रामेश्वरम, जैसे एग्जाम्पल और देखते हैं, दिखाई दे रहा है उसमें राम जोड़ ईश्वरम, ईश्वरम क्या बन जाएगा मिलके रामेश्वरम, तो अ आया और ई आया, दोनों मिलके क्या हो गया ए हो गया, तो बन क्या गया रामेश्वरम। तो जहां पर भी ए देखना है ना, जहां पर भी एकले है, जैसे गणेश रमेश सुरेश महेश रामेश्वरम है ना, इस तरह से, तो इस तरह का अगर रहेगा तो क्या बन जाएगा दोनों मिलकर ए बन जाएगा। तो इस तरह से अ और ई मिलके ए बन जाता है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछेगा अ और ई के मेल से कौन सा नया वर्ड बनेगा, तो ए बनेगा, याद रखना है। ठीक है, जैसे आ और ई के मेल से कौन सा नया वर्ड बनेगा, जैसे आ और ई के मेल से कौन सा नया वर्ड बनेगा अगर वही रहे, जैसे अभी ना थोड़ा देर पहले यहां पर बताया है आ जोड़ ई के, जैसे आ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ड बनेगा, ये बनेगा ना। अगर ऐसे नहीं याद रहेगा तो शॉर्ट में याद रखना है, कभी कभी पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है डायरेक्ट कि आ जोड़ ई से कौन सा नया वर्ड बनेगा, और नीचे टिक लगाना रहेगा क्या बनेगा, ए या ए या कुछ भी इस तरह से दे देगा ऑप्शन, उ ओ कुछ भी दे देगा, तो किसमें टिक लगाएंगे ए में। अगर नहीं याद रहेगा वैसे तो हम भोजपुरी, भोजपुरी में नहीं हिंदी में किसी लोग को बुलाने के लिए क्या चीज क्या कहते हैं आइए कहते हैं ना, तो याद रखना है ये शॉर्ट में ट्रिक के साथ याद रखना है कि ऐसे कहेंगे आ ई ए क्या बन जाएगा आइए, तो आ और ई के मेल से क्या बना ए आइए है ना, आ ई ए याद रखना है, आ ई के मेल से क्या बनेगा ए बनेगा। आ का मतलब अ या ये, अ या आ दोनों है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है दीर्घ ई या हर्षी दोनों है, ये कुछ भी आए दोनों में से याद रखना है आ ई ए कहते हैं ना आ ई ए। अब भोजपुरी में इसको क्या कहते हैं रिस्पेक्ट से, नहीं तो हिंदी में कहते हैं आइए, भोजपुरी में क्या कहते हैं रिस्पेक्ट से क्या मतलब लोग, मतलब कि लोग जो है सो रिस्पेक्ट से क्या बुलाता है क्या कहता है आओ कहता है ना, आओ बैठो बैठो कहता है ना, आओ कहता है ना, नहीं कहता आओ बैठो है ना। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर, ठीक है देखना है, वो कहता है ना आओ बैठो, तो वो नहीं कहता है लोग, वो नहीं कहता है, तो ठीक है देखना है। तो यहाँ पर याद रखना है आ उ क्या बन जाएगा ओ, क्या बन जाएगा आ उ ओ, तो इस तरह से याद रखना है आ ई ए आ उ ओ। तो अगर आ और उ रहेगा, यहाँ पर आ का मतलब है कि अ और आ दोनों, ठीक है, यहाँ पर उ का मतलब है हर्ष या दीर्घ दोनों। तो अगर पूछ दे रहा है ऑब्जेक्टिव में आ जोड़ उ के मेल से कौन सा नया वर्ड बनेगा, तो क्या बनेगा ओ, तो इसके लिए क्या याद रखना है आ उ ओ कहते हैं ना आ उ ओ। ठीक है, आई ए आ उ ओ। ठीक है, और अ और री रहेगा तो क्या हो जाएगा और अ री रहेगा तो क्या हो जाएगा और है ना, और ई और, तो इस तरह से ये तीनों याद रखना है, और ये हो जाएगा गुणसंधि। अब ये सब का भी एग्जांपल कुछ कुछ देख लेते हैं, जैसे आ और उ का एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं सूर्य प्लस उदय क्या बनेगा दोनों मिलके, तो सूर्य जोड़ उदय है, यहाँ पर अ आ रहा है, फिर हल्ला कौन कर रहा है बीच में, अ जोड़ उ
ये क्या बनेगा दोनों मिलके, अ और उ मिलके क्या बनेगा, ओ। अभी बताया है आ उ ओ बनता है, आ उ ओ। तो सूर्य जोड़ उदय क्या बन जाएगा, सूर्योदय। जो ये अ है और उ है वो ओ में बदल जाएगा, यानी सूर्योदय हो जाएगा, सूर्योदय। इस तरह से क्या बन गया, सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय। ठीक है, ये अभी इसका एग्जांपल जैसे री का बहुत सारे एग्जांपल बताए हैं, जैसे सप्तर्षि, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं इस तरह से। वो का एग्जांपल, इसका एक एक एग्जांपल देखना है। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिख ले, ठीक है यहाँ लिख लेते हैं, देखना है। तो यहाँ पर लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे महाजोड़ ऋषि क्या बन जाएगा, महर्षि। जैसे देव जोड़ ऋषि क्या बन जाएगा, देवर्षि। क्या बन जाएगा, देवर्षि। तो इस तरह से देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, राजर्षि, उसको हम क्या कहेंगे, इसमें कौन सा संधि होगा, गुण संधि। अब क्वेश्चन वही बताए हैं, चार तरह से पूछेगा, उसी तरह से फिर पूछेगा। जैसे पूछ दिया कि महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, महाजोड़ ऋषि। और वही पूछ दिया देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, देवजोड़ ऋषि। इसका उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे दे देगा देवजोड़ ऋषि से नया शब्द बनेगा, तो देवर्षि, नीचे जहां पर ऑप्शन होगा देवर्षि उस पे टिक लगा देंगे। पूछ देगा कि रामजोड़ इस वरम से कौन सा नया शब्द बनेगा, रामेश्वरम। इसके पूछ देगा गणेश में, ठीक है क्वेश्चन पूछेगा कि गणेश में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो क्या बताएंगे, अ प्लस ई, ठीक है। तो अ और प्लस ई का संधि हुआ है, तो उसमें टिक लगा देंगे। अ प्लस ई जहां पर दिया रहेगा ऑप्शन, उसमें टिक लगा देंगे। पूछेगा अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया शब्द बनेगा, तो ए हो जाएगा। फिर पूछेगा क्वेश्चन कि सूर्योदय में कौन सा संधि है, पूछे ऑप्शन दे देगा नीचे, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादि संधि, तो क्या टिक लगाएंगे, गुण संधि। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको याद रखना है। जैसे पूछ दिया अ जोड़ उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो वो बनेगा, तो इस तरह से टिक लगा लेना है अपना। इसके बाद हम फिर दूसरा संधि देखते हैं, तब तक इतना नोट कर लेना है। बाद में यदि कोई भिन्न स्वर रहे, ठीक है, तो ए का अय, ओ का अव तथा ए का आय और ओ का अव होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ए के बाद, ठीक है, ए के बाद अपने से कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है, भिन्न स्वर मतलब ए नहीं आना चाहिए, ए के बाद कुछ भी अगर दूसरा चीज अ आ ई कुछ भी आ जाता है, ठीक है, अपने से कोई भी भिन्न स्वर अगर आ जाता है तो ए का क्या हो जाता है, अय हो जाता है। और वही अगर अय रहेगा तो अय का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आय, ठीक है, ए का हो जाएगा अय और अय का हो जाएगा आय। और इसी तरह से वो का हो जाएगा क्या, अव। और वही अगर अ हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, अ अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आव। ठीक है, यहाँ पर कोई भी भिन्न स्वर है ना, अपने से कोई भी भिन्न स्वर हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा ये अय। अगर ए रहता है तो अय हो जाता है, अय रहता है तो आय हो जाता है। एगो बढ़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आकार भी एगो बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा तो अव। और अगर एगो बढ़ गया अ हो गया तो आव। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ने जोड़ अनम क्या बनेगा, ने जोड़ अनम क्या बनेगा, ने जोड़ अनम क्या बनेगा, नयनम। यहाँ पर जो ये क्या आया है, ए आया है, ने में क्या है, ए है, और इसमें क्या है, अ है, कोई भी भिन्न स्वर है, दोनों मिलके क्या बन जाएगा, अय बनेगा। तो ये दोनों अय बनेगा, तो इसमें अय अगर जुटेगा तो जो आधा न बचा हुआ था इसमें अ जुट गया तो ये पूरा न हो गया, और ये जो अय जो ये है जो ये य था, ठीक है, ये क्या हो गया, य हो गया, तो ये क्या हो गया, न य नम। ने जोड़ अनम क्या हो गया, नयनम। उसी तरह से अगर से जोड़ अनम रहेगा क्या हो जाएगा, शयनम। इसी तरह से अगर रहे, जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं, ने जोड़ अनम नयनम, इसी तरह से रहे से जोड़ अनम क्या हो जाएगा, शयनम, शयनम, है ना। जैसे
अब दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। तो इस तरह से हो गया ने जोड़ अनम, क्या हो गया जैसे से जोड़ अनम शयनम, ने जोड़ अनम नयनम, इसमें किन किन वर्णों की संधि हुई है, वही बात ए प्लस अ का हुआ है। तो इस तरह से याद रखना है कि अगर ए या ए के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर आता है तो वह क्या हो जाता है, मतलब अय हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये इसका एग्जाम्पल था, ए का एग्जाम्पल था, अब ए रहता है तो कैसे आय होता है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे देखना है आगे, अगर वही रहे जैसे गय जोड़ अक क्या हो जाएगा, गय जोड़ अक क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि ए है, यहाँ पर ए के बाद कोई भी चीज आ रहा है तो ए का क्या हो जाता है, आय हो जाता है, यानी वो अकार लग जाएगा। तो गय जोड़ अक, जैसे कि वहां पर अगर गिये जोड़ अक रहा था तो क्या होता, गय कह। और इसी तरह से क्या है कि गय जोड़ अक, अगर दूल्हे यहाँ पर एकले दूल्हे होता है ना, यहाँ पर डबल है आय है, ये नहीं है आय है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गाय कह, गाय कह क्या हो गया, ये आय बन गया ना इस तरह से। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, नए जोड़ अक क्या हो जाएगा, नए जोड़ अक क्या हो गया नाय कह, फिर आ हो गया। तो अगर आय रहेगा, ठीक है आय रहेगा तो क्या हो जाएगा आ हो जाएगा, अगर आय रहेगा तो आ हो जाएगा, और अगर ए रहेगा केवल तो उसमें क्या होगा, तो उसमें क्या होगा आकार नहीं होगा, है ना। जैसे अब इसमें देखते हैं, वो ओ का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब देखना है, अब एग्जांपल देखते हैं। ये ओ जोड़ कोई भी, जैसे पो जोड़ अनम क्या होगा, अब यहां ध्यान देना है, पो जोड़ अनम, और यहां पर एक लेते हैं पो जोड़ अनम, ये क्या है ओ है, ये क्या है ओ है। ठीक है, तो यहां पर क्या है ओ है, तो ओ को बताए हैं, ओ के बाद कोई भी अपने से भिन्न स्वर आएगा तो क्या होगा ओ का व हो जाता है, अव होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा पवन। पो जोड़ अन क्या हो जाएगा, पो जोड़ अनम क्या हो जाएगा पवनम। ठीक है, और उसी तरह से अगर पो जोड़ अनम होगा तब क्या हो जाएगा, तो अभी बताए हैं अगर ओ होगा तो आकार हो जाएगा, यानी कि पावनम, पावनम। ठीक है, तो पो जोड़ अन तो पवन, अगर पो जोड़ अन तो पावन। ठीक है, इसी तरह से भू जोड़ अन रहेगा तो क्या होगा, भू जोड़ अन क्या हो जाएगा, तो भवन हो जाएगा, आकार नहीं होगा क्योंकि ओ है, वही ओ रहता तो क्या हो जाता आकार हो जाता। जैसे हौ जोड़ अन क्या हो जाएगा हवन, है ना, इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हो जाएगा, जैसे भू जोड़ अनम भवनम लिख दिए हैं, ठीक है भवनम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाता है, इतना एग्जाम्पल रहने देते हैं। फिर इसके बाद का जो भी संधि बच जा रहा है वो फिर हम अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए इतना ही, ठीक है।